सफर जो है वो नूरानी का है। ये लाइन से सीधे आप मिलेंगे आप पहुंच जाएंगे। बस रास्ते में ये एक नहर नजर आई। हमारे भांजों ने प्लान किया कि नूरानी जाना है तो हमने चले की राइड रहेगी, नज़ारे अच्छे मिलेंगे, बलूचिस्तान तो बलूचिस्तान है। चले स्टार्ट करते हैं और आपको रास्ता भी गाइड करते हैं। हम 4K चौरंगी पे, ये मशहूर कराची की 4K चौरंगी है, यहाँ से हमने लेफ्ट लेना है। 4K चौरंगी से हम लेफ्ट टर्न करते हैं तो फिर आगे साइमा आता है। ये अभी हमने राइट टर्न लिया है तो ये थोड़ा सा हिस्सा है जो ख़राब है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पर टर्न करते हैं तो मंगोपी आ जाए। ये लेफ्ट साइड है, ये नॉर्दर्न बाईपास पे अब हम चढ़ गए और नॉर्दर्न बाईपास हम क्रॉस करेंगे सामने हमदर्द यूनिवर्सिटी साइड। अभी हम हमदर्द यूनिवर्सिटी के पास से गुजर रहे हैं, यही रोड सीधा जाएगा। ये हमने लेफ्ट साइड पे लेना है। अस्सलाम वालेकुम, नूरानी के लिए लेफ्ट लेना है। हाँ, यही रोड, ये लेफ्ट साइड हमदर्द से हम सीधा है और वो तरफ का सीधा हब डैम की तरफ जा रहा है और ये जा रहा है नूरानी की तरफ। ये लाइन से सीधे आप देखें, आप माशाल्लाह खूबसूरत देख रहे दूर तक जो खजूर के दरख्त ही दरख्त है। हमें निकलने में थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहे थे, सफर का अंदाजा नहीं है तो इसी वजह से हमने रोशनी का इंतखाब किया कि फजर की नमाज पढ़ के और थोड़ा रोशनी ज्यादा हो जाए फिर निकलेंगे। तो सही फैसला था क्योंकि एक चंद एक पॉइंट ऐसे थे कि उसमें गाइड मिस लेनी पड़ी कि हमें किस तरफ टर्न करना है। हमें ये एक नहर नजर आई और लोग भरपूर नहर में डुबकियां लगा रहे हैं लेफ्ट साइड पे, तो इंशाल्लाह हमारा सफर कंटिन्यू है, हम अब राइट साइड पे निकलेंगे। तकरीबन हमने हर एक घंटे बाद गाड़ी रोकी और कुछ रिफ्रेशमेंट की। यहाँ पे हमने एक शॉप से बिस्किट वगैरह लिए। क्या कह रहे हैं, 1.5 लीटर है। थोड़ी देर पांव सीधे किया फिर हमने अपना सफर स्टार्ट किया क्योंकि सफर अभी भी लंबा था। रानी वाली साइड पे ये वाला रोड जा रहा है, से अब 29-30 किलोमीटर आगे। अच्छा, रास्ते में PSO का पेट्रोल पंप नज़र आया लेकिन मज़े की बात ये कि यहाँ पे पेट्रोल नहीं था, लेकिन आपको हर कुछ थोड़ी दूर बाद जो है वो पेट्रोल मिल जाता है। कुछ अर्से पहले जो अभी हमने ट्रैकिंग शुरू की है और लोगों ने डराना शुरू कर दिया कि 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। वो झंडे पे असल में वो देखें, वो टॉप पे तकरीबन 1000-2000 फीट की बुलंदी पे आबशार है, शायद इससे भी ऊंची हो। बारिश हुई है उसके बाद यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हरियाली भी थी और बहुत खूबसूरत मनाजिर थे और हर थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो टोलियों की टोलियाँ कुछ वापस आ रही थी, कुछ नूरानी की साइड जा रही थी, तो सफ़र में ये क्या अकेलापन भी नहीं लगा और अच्छे नज़ारे मिले। बारिशों के बाद जो है ना वो बलूचिस्तान की खूबसूरती जो निखर के आती है वाटर क्रॉसिंग है, हर थोड़ी देर बाद जो है वो वाटर क्रॉसिंग आती। अजीब अल्लाह पाक की कुदरत, जैसे पहाड़ को बारिश चीरती है और किस तरह मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन बनते हैं। ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं, अभी भी आधा घंटे का रास्ता बाकी है, बताया है लोगों ने कि आधा घंटा,
किलोमीटर जो है वो घंटे में मेजर किया जाता है। पाकिस्तान में कितने टाइम रह गया, कितना टाइम रह गया। पुरानी से पहले किसी होटल पे पराठे वराठे बनवा के और उसके बाद अपन मसाला लाए उन्हें फ्राई करवा लेंगे या फिर उधर इस्तेमाल कर लेंगे जैसे नासिक हो गया। उसके बाद नाश्ता करेंगे, हम नाश्ते के बगैर आए थे, घर से नाश्ता नहीं किया था। थोड़ी सी भूख लग रही है, एक तरफ लगे भाईजान 11 बज गए। अभी हम मोहब्बत फकीर पहुँचे, ये नूरानी से पहले कोई दरगाह और लाउद पीछे रह गया, तो हम पहले होटल पे आए। यहाँ पे हम कुछ खाएंगे, चाय वाय पियेंगे, फिर आगे देखेंगे कहाँ जाना है। सिलेंडर लाने का फ़ायदा हो गया, 400 रुपये मांग रहे थे सालन को सिर्फ फ्राई करने का, तो सिलेंडर हम लाए हुए थे। हमने अपना चूल्हा लगाया है यहाँ पे होटल के पास ही, उनको एक रोटी बनाने का जब तक बोल दिया इतनी देर में सालन भी बन जाएगा। 30 रुपए की एक रोटी है, साइज पता नहीं क्या है, तो चेक करेंगे क्या साइज़ है क्या रोटी है। लेकिन फिलहाल भूख लग रही है, नाश्ता भी नहीं किया हुआ, तो हमने कहा पहली फुर्सत में कुछ खापा करते हैं, फिर आगे देखते हैं। और आने वाले एहतियात करें, अपना सामान खुद लेकर आए। नहीं वैसे खाना वाना मिल जाता है, हमने मैरिनेट करवा दी थी। जब आप ट्रैवलर होते हैं ना, तो फिर आपको सब कुछ आना चाहिए, खाना बनाना भी आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें आपके पास नहीं होती, लेकिन जितनी चीज़ें होती हैं उसी को आपने यूटिलाइज करना है। तो एक फ्राई पैन और एक चमचा आपके पास हो, खाना चिकन दस्ते से लेके मैरिनेट कर लें और बस जल्दी जल्दी उसको फ्राई करें, इससे आपके पैसे ही बचेंगे, खाना भी आपके मतलब का मिल जाएगा और एक इन्जॉयमेंट मिल जाएगी। टाइम भी तो पास करना है ना, टूरिस्ट होते हैं तो फिर आपके चश्के ही कुछ और होते हैं, अच्छा होटल चाहिए, मेहनत करनी नहीं है, खाना नहीं है। ट्रैवलर बने, ट्रैवलर से आप ज़िंदगी के मुश्किल हालात में भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ट्रैवलर बने, मेरी यही राय, ट्रैवलर बने, टूरिस्ट ना बने। ये प्लेट नीचे रखो, अब वो उठाओ एक हाथ से। मलाई बोटी फ्राई हो गई है, अब इसके साथ रोटी सालन रेडी हो गया, ये चने की दाल है और सुबह का नाश्ता। नेहल भाई सही है, सालन सही बना हुआ है, ओके बना, कच्चा तो नहीं, आप बोल रहे थे कच्ची है। ये हमारा नाश्ता है, यही हमारा खाना है इंशाल्लाह। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, फिर लाउड की तरफ जाएंगे। जी भाई खाना वाना खा लिया है, चाय शाय पी लिए, होटल से फारिग हो गए। जहाँ जेब बेंगल रेस्टोरेंट है ये, अच्छा रिहायशी कमरे और बिस्तरों की सहूलत भी है यहाँ पे। तो अब यहाँ से स्टेट मज़ार है और वापस जाएंगे तो लाउत है। अब जाके मज़ार पे उनके लिए फातिहा खानी करते हैं जो हजरात हैं, और फिर वापसी आगे मज़ार से आगे एक नहर बता रहा, तो नहर पे चलेंगे इंशाल्लाह।